शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना जो आपने अमृत वेले की सबको दार बख्शी है। अमृत वेला नाव सच्चाई वड्याई विचार, ये पल बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अमृत वेला क्या है? अमृत वेला सीधा रास्ता है वैकुंठ में जाने का, मोक्ष पाने का। समझ नहीं पाते लोग अमृत वेला को, बहुत मुश्किल है इसको समझना। लगता है कि सीधा रास्ता है पर बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहों से होके गुजरता है, क्योंकि पथरीली राहें ऐसी हैं कि नींद का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, और वही नींद जो है वो हमारे लिए पत्थर के समान है, हमारे राह में रोड़े अटकाती है नींद। जब आप वो नींद का त्याग कर लेते हो तो आपकी राहों से पत्थर हट जाते हैं, और फिर गुरु जी महाराज, परमात्मा, भगवान, जो भी जिसको भी आप मानते हो, वो हमारी राहों में खुद ब खुद हमारे आगे आगे फूल बिछाते हुए जाते हैं। हम तो अपने गुरु जी का आसन लगाते हैं, हम क्या इनको दे सकते हैं। मैं ये मानती हूँ इतना कुछ दिया है तूने, इतना दिया मेरे मालिक कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है, उसके बदले हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, बस हम आपका नाम जप सकते हैं। नाम जपने के साथ हम आपका नाम लोगों में बांट सकते हैं, वो चेन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि हमें अमृत वेले से क्या मिल रहा है। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म ज्ञान पाने का, अमृत पीने का, अमृत चखने का वो समय होता है जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। हर कोई ये अमृत नहीं चख सकता। आज आप इतनी ठंड में आए हो, इतनी फॉग थी, निकल के आए, नहा धो के आए, गाड़ियों में आए, कैसे भी आए हो, गुरु जी उसी आपकी हाजिरी को प्रमाण करते हैं। मैं ये बात मानती हूँ कि कहीं आसपास अमृत वेला होता हो तो जरूर अटेंड किया करो, नहीं जा सकते अपने घर में बैठ के कर लिया करो, कोई फोर्स नहीं किसी को करते हैं। आपने रिंकू जी की बात सुनी होगी, वो कहते हैं कि पहले जमाने में दरवाजे खटकाते ढोल बजाते थे गांव गांव में, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। आज वो टाइम नहीं है, आज तो लोग की घंटी बजा दो, फोन भी कर दोगे तो वो बुरा मान जाएगा कि मेरी नींद खराब कर दिया है। तो आज क्योंकि गुरु जी ने बात यही होती है जिसको उठाना उसको उठाएंगे, वो सबको उठाते हैं। आप देखना, आप मन में एक बार ठान लो कि हमें अमृत वेला करना है, वो जरूर आपको कैसे भी करके इशारा देंगे। चाहे अभी पीछे किसी के ऐसी जनरल बात हो रही थी, वो कहते हैं कि मैं उठ नहीं पाती थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को सोच के सोई कल मैं जरूर उठूंगी। कहते मैंने अलार्म भी लगाया तो अलार्म बजा और मैं फिर से सो गई। तो आंटी कहती 5 मिनट जो है मेरे घर की घंटी को बजाता चला गया लगातार। कहती बड़ा मुश्किल था रजाई से उठ के जाना, मैं इनको कह रही हूँ अपने हस्बैंड को जाओ कोई को दरवाजा खटका रहा है, वो कह रहे पागल है तेरे कान बज रहे हैं सुबह सुबह कौन आएगा। फिर वो कहते मैं तो नहीं जाऊँगा तू देख खोल दरवाजा। वो जाती है दरवाजा खोलती, कोई भी नहीं था, लगातार उनकी घंटियां बज रही। तो उसको गुरु जी ने उठाना था, बेड से नीचे उतारना था। वो कहती है मैंने सोचा मैं उठ ही गई हूँ तो मैं अमृत वेला ही कर लेती हूँ। तो ये बहाने बनाते हैं ना गुरु जी, होता है कि घंटी बजा। अब एक हमारे एक आंटी आती है, उनके ब्लॉग में सारे कहते हैं नैना नाम है ये, नैना तो हमें नहीं बुलाती, बताती नहीं है कि आंटी आपके घर में सत्संग होता है अमृत वेला होता है। तो मैंने कहा नैना हमने तो सबकी घंटी बजा दी, अगर जाके ना एक बार पता चले इनको, हंसने लगी कह रही मेरे को मारेंगे मैं घंटी में जाऊंगी। तो पहले पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं ना फोन कर देती थी जो लोग मुझे कहते थे, जब मैं मिस कॉल मार देना, तो हर एक को तो मिस कॉल करना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि अपने भी घर की तैयारी करनी होती, रोज उठते हैं जैसे हमारा तो रोज का काम है घरों में। जैसे कभी कभी मैंने आज किसी का संडे संडे शुरू करो, संगत आएगी, कोशिश करो अकेले ही बैठ जाओ, 2 आएंगे 4 आएंगे 5 आएंगे 10 आएंगे, बढ़ता चला जाएगा ये सिलसिला। फिर लोग कहेंगे हमारे घर भी करो, तो बारी बारी सबके घर में होना शुरू हो जाएगा। तो हमें तो अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब जी भी है, प्रकाश भी करना होता है, दो लड्डू गोपाल उनको भी नहलाती हूँ, जोत जल प्रसाद, म्यूजिक सिस्टम, खुद अपना सब कुछ करने में टाइम लगता है, वो एक रूटीन सा बन गया है, मजा आता है उसमें, आनंद आता है।
वो हम किसी के लिए नहीं करते। आप अमृत वेला भी करोगे ना, बहुत सारे लोग हैं अमृत वेला करते हैं, सारा दिन गाते रहेंगे, कहीं भी बैठेंगे ना, जैसे अब आप पहले दिन अमृत वेला कर लिया, अब चले गए एक्टिविटी में चले गए, अब वहां पे वासियां मार रहे हैं, नींद आ रही है, क्योंकि तू रात को सुती नहीं, और नहीं तेरे को पता है आज मैं अमृत वेला कितना सी पहले तो सबसे पहले ये बोलेंगे मैं आज 3 बजे उठ रही थी, पता है, फिर अगले दिन फिर कुछ हो जाएगा, फिर बच्चे कहेंगे मम्मी क्या हो गया देर से सो, अरे भाई मैं अमृत वेला करती हूँ, मतलब इतना एहसान, इतना वो दिखाएंगे कि पता नहीं हम भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे, ये हम अपने कर्म कटवाने का सबसे सरल चर्या अमृत वेला। बाकी तो देखो गुरु जी जब मिल रहे हैं 90% कर्म तो इन्होंने काट दिए हैं, 10% भी यही कटवाते हैं, हमारी औकात नहीं है, पर जब हम एक समय मांग लेते हैं कि इस समय उठना है, इस समय हमने प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु आकाश में विचरण कर रहे होते हैं, सारे देवी देवता, पूरे देवी देवता आकाश में होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, और मैं आपको सच बता रही हूँ, जो लोग सुबह उठते हैं अनजाने में ही उनके प्रभु फूलों की वर्षा करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, वो फूल ये वाले नहीं होते कि ये वाले फूल आप लोग बरसा रहे, वो फूल वो होते हैं वो जीवन में जो हमारे फूल खिलते हैं, जो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। अगर आंटी आपको जाना है और आंटी पूजा आंटी को प्रसाद दे दो, तो वो वाले फूल नहीं सोचो, आप सोचो वो जीवन में हमारी खुशियां, आंटी वहां बैठ के आप प्रसाद लेके जाइएगा, जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग तरह की ब्लेसिंग मिलती है, रुके हुए काम हमारे पूरे हो जाते हैं, बड़े सालों से हमारे काम अटके हुए पूरे हो जाते हैं, दुख परेशानियां प्रॉब्लम्स बीमारी सब कुछ हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और आपको सुकून सबसे, पता है गुरु जी क्या कहते हैं, जब तुम मेरे से जुड़ते हो ना तो मैं तुम्हें पैसा तुम्हें बाद में देता हूँ, सबसे पहले ना गुरु जी ना हमें हेल्थ देते हैं, जिन लोगों की हेल्थ खराब है ना मैं आपको बताऊं वो एक बार अमृत वेला करना शुरू कर दो, उनकी सारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, शुरू में जरूर मुश्किल लगेगा उठना, थोड़े दिन लगेगा लेकिन आदत सी पड़ जाएगी, तो पहले तो वो हेल्थ आपको बख्शते हैं, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं बहुत ही बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, मेरे घर में बहुत परेशानियां थी, मैं बिल्कुल हमारे घर में भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत चिक चिक बाजी होती थी, बहुत नेगेटिविटी थी, जब से हम सबने अमृत वेला मेरे हस्बैंड और मैंने करना शुरू किया, इतनी शांति है, इतनी शांति है, ना कोई आर्गुमेंट होता है, वो बोले मैं चुप हो जाती थी, मैं बोलूं वो हो जाते थे, खुशियां प्रॉब्लम्स खत्म, काम में बिजनेस में अच्छा होना शुरू हो गया, बीमारी सारी बॉडी की खत्म हो गई, तो वो पहले आपको हेल्थ देते हैं, फिर आपको हैप्पीनेस देते हैं, खुश रहना सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं चलो जल्दी उठता हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, मैं नहीं मानती ये बात, आप जब सुबह जल्दी उठ जाओगे ना आपके सारे काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, देखना जितना आप देर से उठोगे उतने आपके काम देर से खत्म होंगे ही, अटके रह जाएंगे, जल्दी उठोगे फटाफट आप खाना भी जल्दी बन जाएंगे, दोबारा सो जाओ ना, किसने मना किया है, अमृत वेला करके फिर से सो जाओ, तो ये बख्शिश बहुत कम लोगों को मिलती है, अगर आज आपको मिली है शुक्राना करो और गुरु जी से आज ये अरदास करो कि हमें उद्धम बख्शो, हमारे तो गुरु जी औकात ही नहीं है कि हम आपके लिए उठ पाए, अपने लिए भी हम उठ पाए, लेकिन अगर आप चाहोगे आप हमारा हाथ पकड़ लोगे, और उनको नहीं बोलो ये भी मत बोलो कि आप बोलो मैं करना चाहती हूँ। एक बच्चा पेपर देता है, सीए का पेपर देता है, वो सोचता है कि मैं पेपर देना चाहता हूँ पर मेरे से होंगे ना, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, बार बार मेरे को अड़चने आ रही है, मेरी पढ़ाई मुझे कुछ याद नहीं रहता, पर वो भगवान से ही अरदास करता है, मैं करना चाहता हूँ, सीए बनना चाहता हूँ, जब उसका सपना होगा ना, ड्रीम होगा कि मैंने सीए बनना है, बन जाएगा, आपका ड्रीम होगा ना मैंने अमृत वेला करना है, मरते दम तक करना है, आप कर लोगे। कल ही मुझे वहां पे आंटी के घर में रीटा आंटी घर, 2-3 आंटियां मिली, कहती मैंने आपके पेज के साथ गुरु जी की वीरा फेसबुक में होम डेली चलाते हैं पौने 5 बजे, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने किया था फिर मैंने बंद कर दिया, कोई कहता मैंने 40 दिन किया मैंने बंद कर दिया, मैं कहती हूँ एक बात हमेशा से मैं कहती हूँ, जिस दिन आपका अमृत वेला छूट जाए ना उस दिन खाना मत खाओ, पूरा दिन व्रत रखो,
भूखे पैसे रहना जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं, अब कल आ जाएगी अगले दिन में, फिर अगले दिन नहीं उठोगे ना, बोलो आज मैं फिर भूखी रहूंगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है क्योंकि आज मेरा अमृत वेला छूट गया। जब पेट में चूहे कूदेंगे कुल ब्लाट होगी ना, फिर याद रहेगा मुझे कल उठना है। खुद को पनिशमेंट दो, बच्चों को बड़ी जल्दी पनिशमेंट देते हैं, स्कूल नहीं जा रहा, छुट्टी हो गई है, तेरी छुट्टियां बहुत हो रही है, तेरा होमवर्क पेंडिंग हो रहा है, तेरी मम्मी करेगी तेरा होमवर्क बैठ के, टीचर की कंप्लेंट आ रही है, रोज स्कूल नहीं जाता, तेरे को रोज ठंड लगती है, बहाने बनाता है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी नहाना नहीं, ये नहीं करना, पर हम क्या करते हैं, हम भी तो बहाने ही बनाते हैं। और मेरे समय थी, पहले मैं भी ऐसी थी कि अमृत वेले में नहीं उठना, पर जैसे ही 8 बजे सीरियल आता था, जो कि सास भी कई बहू थी, पूरा दिन उसको रिपीट रिपीट देखती रहती थी, तब नींद नहीं आती। वो अपनी मनपसंद चीज है ना, मनपसंद मूवी देख लो, 3 घंटे देख लो, कभी नींद नहीं आएगी आपको, लेकिन अमृत वेले में बैठते हुए नींद आ जाएगी, सिर्फ जाप करने में नींद आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग सा लगता है। जिस दिन आपको इसमें आनंद आना शुरू हो गया ना, जैसे हर चीज में आनंद ढूंढा करो, गॉसिप करने में आनंद ढूंढते हो ना, व्हाट्सएप पे बातें करते हो आनंद ढूंढते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आनंद ढूंढते हो ना, तो ऐसे ही आनंद ढूंढा करो हर चीज में। जब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको अमृत वेला भी बड़ा अच्छा रहेगा, सुहाना रहेगा बड़ा। मुझे तो बड़ा आनंद आता है अमृत वेला करने में, और मैं तो गुरु जी से मांगा है जिंदगी भर जब तक जिंदा हूं, मैं किसी घर भी जाती हूँ ना करने, जैसे आज बैठी हुई थी वहां बैठ गई थी, मतलब मन से मैं इतना शुक्राना कर रही थी ना गुरु जी का, कि गुरु जी ये दान ये सेवा आपने जो बख्शी है कभी मत मुझसे छीनना, मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना, मैं मर जाऊंगी, कहते हैं ना वो गुरु जी कहना कि मैं मछली की तरह तड़पड़ाऊंगी। और वाकई में एक टाइम ऐसा था तो नींद आती ही नहीं है, मैं चाहे 2 बजे सो चाहे मैं 3 बजे सो, मैं जगराते से भी कहीं जागरण से आऊंगी ना 4 बजे, तो भी मैं उठ के बैठ जाऊंगी अमृत वेला करने, क्योंकि वो तो चलो एक लाइट चलाने सेवा लगी हुई है, लोग बैठे होंगे वेट कर रहे होंगे, पर अब हमें नींद आती। मैंने भी अपने अंकल को यहाँ की पिक भेजी, तो उन्होंने मेरे को भेजा कि जपजी साहब का पाठ मैं भी कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा लगता है कि वो भी शराब पे चल पड़े हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, सबको दान बख्शे गुरु जी, सबको ये ब्लेसिंग दे, और अरदास किया करो, अरदास करके सोया करो मालिक से कि हमें अमृत वेले उठाओ, उठने की दान बख्शो, उठाएंगे देखना, आपकी अरदास कभी खाली नहीं जाएगी। एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट, अमृत वेला में रोज रोज मांग मत किया करो। अब सोचो कि अमृत वेला कर रहे हैं, चलो आंटी कह रही थी बड़ी जल्दी गुरु जी सुनते हैं, रोज एक नई डिमांड लेके बैठ जाओगे, ऐसे नहीं करना होता। कोई हाँ होता है दुख है मन में, कोई प्रॉब्लम है शेयर करो, क्योंकि वो समय होता है जब डायरेक्ट भगवान से अपने दुख शेयर कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने हस्बैंड से भी अपनी दुख शेयर करने बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम खत्म, बात ही नहीं करनी उनसे, इनसे ही करनी जो बात करनी है। लेकिन गुरु जी कहते हैं मेरे पीछे ना बैठ जाया करो, कि एक बात के पीछे पड़ गए, मेरा एक काम कर दो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही कर दो, उसका बच्चा नहीं हो रहा कर दो, मेरा काम नहीं चल रहा। एक दिन तुमने कह दिया ना, मैं उस पर विचार करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा। काम को कैसे करेंगे, एफर्ट्स हम करेंगे, हम रोज मंत्र जाप में बैठेंगे, मेहनत करेंगे, फिर गुरु जी हमारे जीवन में मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सच है। हफ्ते में एक दिन कह दो, चलो संडे संडे हमको अपने दुख शेयर कर लो, रोज रोज मत करो। आपको देखो गुरु जी, हम तो तुम्हारे लिए उठते हैं, हम तो अमृत वेला करते हैं, आपको हमारा ये काम करना ही पड़ेगा, करना हमको पड़ेगा, ठेका हमने हमारा लिया हुआ है, लेकिन देंगे वो हमें समय पे देंगे आज आपको, और देंगे उतना जितना हमें जरूरत है। अब कई लोग मुझे कहते हैं अमृत वेला करना शुरू कर देंगे 40 दिन में काम हो जाएगा। मैं कहती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, बीमारी कितनी पुरानी है, कहते 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी, अरे कम से कम 10 महीने तो गुरु जी को दे दो, सोचते हो 40 दिन में काम खत्म हो जाए, 10 साल पुरानी बीमारी को 10 महीने तो करके देखो अमृत वेला, ना ठीक हो जाए तब कहना। अगर तुम्हारा मन है ना कि मैं लगातार इसको जिंदगी भर करूंगी करूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम चुटकी में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसे वादा कर लिया, लेकिन वादा करके मुकरोगे तोड़ोगे उस वादे को,
फिर वही कष्ट दोबारा जीवन में आ जाएगा। तो इसलिए प्रॉमिस निभाया करो। पहली बार इनसे भी क्या प्रॉमिस करना है, खुद से प्रॉमिस कर लो कि हम उठें। जब खुद से इंसान वादा करता है ना, उसको जरूर निभाता है और सारे प्रॉमिस टूट जाते हैं, पर खुद से किया वादा कभी नहीं टूटता। एक रेजोल्यूशन ले लिया ना नए साल में, हम ये करेंगे, हम पतले बनेंगे। मैं कहती हूँ इतने हम लोग एफर्ट्स करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, स्लिम ट्रिम रहने के लिए डाइटिंग करते हैं, भागते हैं, रेस लगाते हैं पार्क में सुबह उठ के ठंड में। कितने लोग सुबह सुबह योगा करने चल जाते हैं, पर घर बैठ के मंत्र जाप नहीं कर सकते, बताओ। तो कितना आसान जरिया है, कितनी ठंड है, हीटर लगा लो बैठ जाओ, गर्मी है एसी चला के बैठ जाओ। नहाना तो जरूरी है ही है। अब बड़ी सारी आंटियां मुझे कहती हैं रोज के, मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, एक ही मैसेज आता है ना ना तो चलेगा। अरे मैं उनको कहती हूँ वैसे आप कितने बजे नहाते हो आंटी? 7 बजे नहाते हैं, तो 5 बजे नहा लो भाई, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 बजे उठते ठंडा है, कितने 7 बजे है। 9 बजे नहाते हो, 5 बजे उठ के 2 मग ही पानी के डाल लो। हम भी रगड़ रगड़ के सुबह नहाते, इतना टाइम नहीं था, बस 2 मग के डालते हैं पानी के, और उसको कपड़े चेंज, कपड़े जरूर रात वाले वस्त्र चेंज करके बैठा करो, और कोशिश किया करो एक ही जगह पे बैठ के अमृत वेला किया करो। चाहे वो आपका मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे घर का एक कोना हो, चाहे आप आसन बिछा लो जमीन पे, बेड पे नहीं करना होता, एक जगह पे एक समय में करो। अगर 4 बजे करते हो 4 बजे करो, 5 बजे करते हो तो 5 बजे ही करो। रोज टाइम नहीं चेंज करना, कभी आप खुदा न खास्ता 5 मिनट आगे पीछे नींद कभी कभार खुल जाए, लेकिन ये नहीं करना कि रोज, जैसे आप क्लास में लेट आओगे तो टीचर तो आके बैठ गए ना, और आप लेट आ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। समय से पहले, अब जैसे मुझे 4:45 करना होता है, लाइट चलाना होता है, मैं तो 4:30 बजे तैयार शहर होकर बैठ जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये पूछ लो, ये सारे आते हैं संडे को, आते हैं संडे को आते हैं, तो ये सब आते हैं, ये मुझे कहते हैं आंटी आप तो रोज ही अमृत वेले में त्याग शहर होकर बैठे होते हो। इस पर मैंने एक सत्संग डाला था, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हो, अपने पति से मिलने जाते हो, अपने लोग गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, क्या सत्संग के जाते हैं? परमात्मा से मिलने के लिए क्यों नहीं तैयार हो सकते? तैयार होने का ये मतलब नहीं फुल मेकअप कर लो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। किसी के पास अगर 2 जोड़े हैं तो वो 2 जोड़े ही रोज धो के प्रेस करके पहने। मैं सवेरे अमृत वेले में, संगत संडे आती है, मैं रोज बैठती हूँ, मेरे अंकल रोज बैठते हैं और मेरे अंकल मुझे देखते हैं, मैं रोज अपना जोड़ा निकालती हूँ प्रेस किया हुआ, कोई नहीं है देखने वाला, ये बैठे हैं, ये इतने सजे सवरे, इन्हें बड़ा पसंद है साफ सुथरा रहना गुरु जी को। तो मैं अपना तैयार व्यार होके अच्छे से बाल बनाती हूँ, एक लिपस्टिक जरूर लगा लेती हूँ मैं, और अच्छे से मुंह पे क्रीम लगा के, मैं पूरे हाथ पैर में क्रीम लगा के और आराम से बैठती हूँ। मेरे को ये नहीं होता कि मैं वही नाइटी पहन के बैठ जाऊँ, कौन आ रहा है, नाइट सूट में बैठी हूँ मैं, नहीं, क्योंकि ना उससे ना आपको फ्रेशनेस आती है। अब देखो आप जब कहीं बाहर जाते हो तो तैयार होके जाते हो तो फ्रेशनेस आती है ना, पर हमने देखा है मंदिर जाना है गुरुद्वारे जाने में उठ के चल देते हैं, क्योंकि हम भगवान को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कौन देख रहा है। और मुझे लगता है जब मैं नया सूट बनवाऊँ, नई ड्रेस बनवाऊँ, सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को दिखाऊँ। जब गुरुद्वारे जाती हूँ तो बड़े मंदिर जाती हूँ, सबसे पहले नया नया कपड़ा पहन के जाऊँ मैं। तो ये होता है कि जब कोई भी, मैं तो मेरा आर्ट भी करा के आती हूँ तो मेरे गुरु जी को दिखाती हूँ, वहां भी गुरु जी का सबूत दिया हुआ, जहां जहां जाती हूँ सबको दे रखे हैं, तो वहां दिखाई भी अच्छी लग रही है, फिर खुद ही कहती हूँ नहीं अच्छी लग रही, वो कहते नहीं अच्छी लग रही, चेंज कर दो। भाव है नहीं, अपने प्रेम करने के ना तरीके अलग अलग है, वो प्रेम है। जैसे प्रेम आप खुद से करते हो, जैसे बच्चों से करते हो, और जैसे अपने पति से करते हो, माँ बाप से करते हो, सबसे ऊपर स्थान इनको दो। जब आप इनको गुरु जी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो अपने जीवन में, तो ये आपको हर जगह फर्स्ट 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 नंबर लेके आएंगे, कभी आपको पीछे नहीं होने देंगे। कभी मेरे साथ हुआ है आज, शुक्राना गुरु जी। हाँ आंटी आप थोड़ा शेयर करो, उधर से कर दो मालो उधर। अरे आंटी बोलो, सुनो ऐसे नहीं करते। अब आप अभी कह रहे थे मैं टीचर हूँ, आप खड़ा कर दिए एक स्टूडेंट को, आ जाओ उधर से आओ, ये आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ ये शेयर करेंगे, इधर आ जाओ अंकल ना मत्था टेकेंगे, इधर आ जाओ। रात वाले सुनाते चलो जल्दी जल्दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कल रात को ना जसमीत का मेरे को फोन आया, बोलते हैं तेरे को मैंने बोला कि कुछ यहाँ पे लंगर प्रसाद का बोला हुआ था मुझे, मैं भूल गई। तो उसके बाद मेरे को टेंशन हो गई, क्या बोलूँ, कैसे होगा। कितने बजे फोन किया था मैंने रात को? 12 बजे। 12 बजे को क्या, ओह शिट, ये क्या हो गया मेरे से, सारे टेंशन हो गई, प्रसाद ही भूल गई। मैं गुरु जी खाओगे क्या बोलो, पता नहीं कि एक संगत ने मैसेज कर दिया। मैं क्या, अच्छा आंटी आप एक ट्रेन में जा रहे? मैं क्या, हाँ जी बस, क्यों क्या हुआ है? मैं ना मक्खन बना रहा हूँ तो ले जाना मेरे से। मैं वहाँ पे सम रोई जो, मैं क्या हूँ गुरु जी, शुक्राना मेरी लाज रख ली, नहीं तो सुबह सुबह दीदी ये बाकी ये सुनाती सेवा ली हुई थी बंद बटर की, एक आंटी ने और इसने, और मेरे को था पता नहीं संगत ज्यादा होगी कम, इंतजाम तो करना पड़ता है। मैं सत्संग जाने की शाम को जल्दी के सत्संग का जब टाइम हो जाता है जाना होता है तो बस लेट लग जाती है, काम भूल गए रात को, वहां से इतनी फॉग, इतना रास्ता मुश्किल, मेरे को याद आ गया भाई मैं तो कुछ लिया ही नहीं सुबह से बात नहीं की, बंद बटर आ गए, इसको पूछा कहती मैं तो लाई नहीं। मैं कह जय गुरु जी क्या करूंगी, अगर संगत ज्यादा होगी तो कैसे, फिर ये पता नहीं कहां से गुरु जी ने इसको रात को 12 बजे और बंद बटर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखती इतनी फॉग में आना मुश्किल था रात को, मैंने कहा चलो ये गुरु जी महाराज बैठे हैं, सोच लिया ना करना है तो रात के 12 बजे इतनी सर्दी में कहां से इसने पैदा किए, उन्होंने किए कि हमारी इच्छा हुई कि हमें ज्यादा रखने स्टॉक होना चाहिए, वो उन्होंने स्टॉक भी कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी ना ऐसे ही करते हैं, कोई भी मन में आप सोच लो ना, जैसे मैं कई बार सोचती संडे को ना आज ना मेरे पकौड़े खाने का बड़ा कोई खुशबू आ रही है, संकट ले आई पकौड़े अपने आप में, खीर खाने का मन है खीर ले आएंगे, फूल एक एक हमारे आंटी है वो उनके क्लब से चलाते हैं तो मुझे फूल वही लेके आती है, थोड़े से हम ज्यादा फूल नहीं लाते, जब हमारा मंथली सत्संग होता है ना तब हम अच्छे से फूलों की डेकोरेशन कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं 1000 रुपए तक, बहुत कम दरबार में फूल नहीं पैसे नहीं वेस्ट करते हैं, कुछ वो फूल अगले दिन फेंके जाते हैं, तो वो आंटी ना लेके आती है और कभी नहीं लाएंगी ना, मैं कहती हाँ पहले ही बोल देती मैं ही ले आती फूल, अब आज फूल ही नहीं आए हैं, कोई और संगत लेके आ जाएगी फूल रख देगी लाके। ये गुरु जी ना अपना अरेंजमेंट खुद ब खुद कर लेते हैं चीजों का, इन्हें कुछ इनको हमारी कोई जरूरत नहीं है, ये रास्ता खुद ब खुद संगत के मन में डाल देते हैं, कैसे कर दो वैसे कर दो। अभी आंटी अभी उठी ना सबसे पहले, प्रीति आंटी है, इनका रात को मेरे को मैसेज आया कि दो संगत कल ना बिना खाए चले गई हैं, तो मैंने कहा आप मुझे बता देते हैं कि सत्संग शेयर हो रहा था, किसी को जल्दी जाना था 7:30 तक जाना था, तो मैंने कहा चलो कल मुझे याद करा देना। अभी देखो वो उठी हैं, आपने सत्संग में बोलना, वो गुरु जी बुलवा रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ कि वो खड़ी हुई है कि मैं उसको बोलूं, तो गुरु जी आपको बोल रहे हैं। आंटी कई बार ना मुझे ना मेरे सेवादार क्या कहते हैं, कहते हैं आंटी आप ना उधर बैठी होती हो और आपको कैसे पता चल जाता है उस कमरे में कोई फोन चला रहा है, पता नहीं कैसे गुरु जी ना अचानक भी, जैसे अब तो मेरा नाम ही ना लोगों ने टीचर डाल दिया, वो भी स्ट्रिक्ट वाली बोर्ड वाली टीचर जो बोर्ड पे गुंजी रहती है बच्चों की, तो मेरे को अपने अपने टैग करती पे करने भेज देते हैं, मैं देखती हूँ कौन है मेरे को लड़की फोन चला रही है, बेटा क्या कर रहे हैं, फटफट रख देंगे, पता ही नहीं होता कि अचानक से मैं वहां पे आ जाऊंगी, लेकिन जैसे आंटी कोई उठ के जा रहा है ध्यान सत्संग शेयर कर रही हूँ पर नजर वहीं पे कि वो चली ना जाए, मैंने देख रही हूँ कि वो उठ गई है उनको बोलना है, तो मैं आप बोल रहे हो कि लंगर प्रसाद करके जाना, वो ना तो वो गुरु जी करवाते हैं।